आइए आज हम जानते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में कि रॉक्स एंड मिनरल्स होता क्या है। तो फर्स्टली हम समझते हैं रॉक्स के बारे में कि रॉक्स क्या होता है। तो अर्थ के क्रस्ट का जो सॉलिड सरफेस होता है, जिस भी सॉलिड मटेरियल से बना होता है, उसे रॉक कहते हैं, जो कि पूरे अर्थ क्रस्ट का 1% वेट कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, रॉक्स क्या होता है? अर्थ का जो सॉलिड सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, जिस भी सॉलिड मटेरियल से बनता है उसे रॉक कहते हैं, और रॉक 1% वेट कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, रॉक का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल है। रॉक का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? मिनरल है। जस्ट लाइक अगर हम ग्रेनाइट ले रॉक, ठीक है, ग्रेनाइट ले, तो ग्रेनाइट जो है वो कई सारे मिनरल्स के क्रिस्टल से बनता है। ठीक है, मिनरल्स के क्रिस्टल से बनता है, जैसे कि उसमें फेल्डस्पार होता है, मिक्का होता है, क्वार्ट्ज होता है। ठीक है, ये सब मेनली होते हैं। ओके, रॉक्स की केमिकल प्रॉपर्टी फिक्स नहीं होती है। रॉक्स की केमिकल प्रॉपर्टी फिक्स नहीं होती है, और जिस रॉक्स में लार्ज क्वांटिटी में हमें मेटल मिलते हैं और उसे पर्पजली इकोनॉमिक पर्पज के लिए एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। ऐसे रॉक्स को क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। जैसे कि हेमेटाइट, हेमेटाइट जो है वो आयरन का ओर है। ठीक है, आयरन का ओर है हेमेटाइट। और उसके बाद जो भी रॉक्स, जैसे कि किसी भी एरिया में कौन से रॉक्स मिलेंगे, ये डिपेंड करता है कि किस तरह के रॉक्स आपको किसी भी एरिया में मिलते हैं। वो वहाँ के इस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो रॉक्स किस कंडीशन में फॉर्म हो रहा है, वहाँ का लैंडफॉर्म कैसा है, सॉयल कैसा है, ड्रेनेज कैसा है। तो हम इन सारी ये फैक्टर्स हैं जिस पर ये डिपेंड करता है कि किसी भी एरिया में कौन किस तरह का रॉक्स आपको मिलेगा। ठीक है, अब अगर मिनरल की बात करें तो मिनरल एक नेचुरली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जो कि इनऑर्गेनिक होता है, और इसमें ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। जो भी ये मिलता है तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में मिलता है। ठीक है, मिनरल्स जो है, और मिनरल्स का जो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो भी फिक्स्ड होती है, बट रॉक में ऐसा नहीं होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी फिक्स नहीं होती है। ठीक है, लेकिन मिनरल्स में इसकी केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टी दोनों ही फिक्स होती है। अब मिनरल्स जो है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में पाया जाता है, तो वो क्रिस्टल का साइज़ डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में आपका रॉक फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये जो कि मतलब क्रिस्टल, मिनरल्स का जो क्रिस्टल है उसका साइज़ बड़ा होगा या छोटा होगा, कैसे साइज़ में वो हमें मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कि वो रॉक किस कंडीशन में फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो रॉक्स जैसे कि ग्रेनाइट है, मार्बल है, इसका यूज़ हम कंस्ट्रक्शन के लिए भी करते हैं। ठीक है, ग्रेनाइट एंड मार्बल का यूज़ कंस्ट्रक्शन के लिए भी होता है, और ऐसे रॉक्स जिनमें ओर होते हैं, ओर कंसिस्ट होते हैं, उसका हम इकोनॉमिक पर्पज के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था रॉक एंड मिनरल के। तो मैंने यहाँ रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, लेट्स सी, देखते हैं इन्हें। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सॉलिड मटीरियल्स कॉल्ड रॉक्स दैट कॉन्स्टिट्यूट 1% ऑफ इट्स वेट। ठीक है, अर्थ का जो क्रस्ट होता है, अर्थ के क्रस्ट का जो सरफेस है, वो जिस भी सॉलिड मटीरियल से बनता है, ठीक है, जिस सॉलिड मटीरियल से अर्थ सरफेस बना है उसे रॉक कहते हैं, और ये 1% वेट कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रॉक्स आर मिनरल। मिनरल किसे कहते हैं? ये हमारे रॉक का ही एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये नेचुरली पाया जाता है। ठीक है, नेचुरली ऑकरिंग का क्या मतलब है? कि नेचुरली ये पाया जाता है, इसे कोई बनाता नहीं है मिनरल्स को। ओके, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि वन और मोर एलिमेंट से बनता है। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है। दे हैव डिफिनिट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफिनिट यानी कि फिक्स होती है। बट रॉक की अगर बात करें हम, ठीक है, रॉक की बात करें तो रॉक क्या होता है? इसका केमिकल प्रॉपर्टी फिक्स नहीं होता है। ओके, तो आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ रॉक के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ रॉक कितने तरह के रॉक होते हैं? 3 टाइप्स के रॉक होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज इजनियस रॉक, सेकेंड इज सेडिमेंट्री रॉक, एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक। अब हम इन्हें एक एक करके समझेंगे कि ये इजनियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक होता क्या है। तो आइए सीखते हैं इजनियस रॉक के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इजनियस रॉक के बारे में कि इजनियस रॉक कैसे फॉर्म्ड होते हैं,
ठीक है, और इनके क्रिस्टल्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करें इजनियस रॉक की, तो इसे प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। इसके हार्डनेस की वजह से इसे प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ के सेंटर में क्या भरा हुआ है, लावा यानी कि मगमा भरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो जो भी चीज़ हमें मिलती है वो सेमी सॉलिड स्टेट में होती है, यानी कि मगमा के फॉर्म में होती है, लावा के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो जब ये मगमा जो है वो अर्थ के सरफेस पर या इनसाइड द अर्थ जब ये ठंडा होता है, ठीक है, जब ये ठंडा होता है अर्थ के अंदर या अर्थ के सरफेस पर, और ठंडा होने के बाद जब ये हार्ड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, ठीक है, तो उससे रॉक फॉर्म्ड होता है। उस तरह के रॉक को हम इजनियस रॉक कहते हैं, ठीक है, उस तरह के रॉक को हम क्या कहते हैं, इजनियस रॉक कहते हैं, ठीक है। और ये इजनियस रॉक जो है वो दो तरह का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इजनियस रॉक, ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज इंट्रूसिव इजनियस रॉक एंड सेकेंड इज एक्सट्रूसिव इजनियस रॉक। ओके, जो इंट्रूसिव इजनियस रॉक है ये अर्थ के अंदर ही ठंडा होता है, ठीक है, जो मगमा होता है यानी जो लावा होता है, तो ये लावा क्या होता है, धीरे धीरे अर्थ के अंदर ही ठंडा होने लगता है, ठीक। जब ये ठंडा होता है, ठीक है, जब ये ठंडा होता है तो क्योंकि ये अर्थ के अंदर ठंडा होता है तो इसे काफ़ी टाइम लगता है, तो ये स्लो कूल होता है, ठीक है, यहाँ पे जो कूलिंग की प्रोसेस होती है वो स्लो हो जाती है। तो इससे जो रॉक फॉर्म्ड होता है उसे इंट्रूसिव इजनियस रॉक कहते हैं। अब ये स्लो प्रोसेस होने के कारण इसका जो क्रिस्टल है, ठीक है, स्लो प्रोसेस होने के कारण इसका जो क्रिस्टल है वो काफ़ी लार्ज फॉर्म में होता है, लार्ज साइज में होता है, ठीक है, बड़ा होता है। ओके, और इसके एग्जांपल कौन से हैं, ग्रेनाइट एंड डोलराइट, ठीक है, इसके एग्जांपल क्या हैं, ग्रेनाइट एंड डोलराइट। अब आते हैं एक्सट्रूसिव इजनियस फॉर्म, ठीक है, एक्सट्रूसिव इजनियस फॉर्म जो है यानी रॉक का फॉर्म जो है वो क्या होता है, ये अर्थ के सरफेस पर आता है, ठीक है, जब मगमा अर्थ के सरफेस पर आए और वो कूल हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसे एटमॉस्फियर मिलता है, ठीक, तो वो क्या होता है, रैपिड कूल होता है, मतलब बहुत तेज़ी से ठंडा होने लगता है, ठीक। जब ये बहुत तेज़ी से ठंडा होने लगेगा तो इस रैपिड कूलिंग की वजह से क्या होगा, इसके जो क्रिस्टल की साइज़ होगी वो फाइन ग्रेन होगी, एकदम मतलब बारीक होगी, छोटी होगी, ठीक है। इस तरह के रॉक्स को वॉल्केनिक रॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये वॉल्केनोज के थ्रू ही, जैसे वॉल्केनो फटता है फिर लावा ऊपर आता है धरती के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर ऊपर आता है, तो उससे क्या फॉर्म्ड होता है, एक्सट्रूसिव इजनियस रॉक फॉर्म्ड होता है। जब वो ठंडा होके हार्ड हो जाता है तो उस तरह के रॉक को एक्सट्रूसिव इजनियस रॉक कहते हैं। ओके, तो ये था इजनियस रॉक के बारे में, ठीक है, ये था इजनियस रॉक के बारे में, जहाँ पर हमने इजनियस रॉक क्या होता है वो पढ़ा, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव दोनों पढ़ा। ओके, आइए कुछ पॉइंट्स लिखें, देखते हैं। व्हेन द मॉल्टेन मगमा कूल्स, मॉल्टेन मगमा मतलब मगमा जो होता है लावा, वो कैसा होता है, पिघला हुआ मॉल्टेन लिक्विड, मतलब सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। इट बिकम सॉलिड, वो क्या होता है, सॉलिड होने लगता है, जब वो ठंडा होने लगता है ना, तो ठंडा होने की वजह से वो सॉलिड होने लगता है। इनसाइड द क्रस्ट, अगर क्रस्ट अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है तो उसे इंट्रूसिव बोला जाता है, और अगर सरफेस पर होता है तो उसे एक्सट्रूसिव बोला जाता है। दीज रॉक्स आर कॉल्ड इजनियस रॉक। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक, इसे प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। यहाँ पे दो मेन टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं, ठीक है, इजनियस रॉक के, वो हैं इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। ओके, तो मैंने बता दिया कि इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव कैसे फॉर्म्ड होते हैं, ये था इजनियस रॉक के बारे में। तो आइए जानते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में, कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं और ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं कि अर्थ जो है वो हर टाइम से, मतलब काफ़ी टाइम से इरोड होता आ रहा है। इरोड मतलब जैसे पानी है, हवा है, ठीक है, बारिश है, तो ये सब जब आती हैं तो किसी भी जगह पर जब ये काफ़ी हैवीली होती हैं तो ये अपने साथ वहाँ के
जो उसके अर्थ के सरफेस पर जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो कण होते हैं, उनको अपने साथ बहा के उड़ा के ले जाती हैं, है ना। तो ये सेडिमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि अर्थ के सरफेस पे जो भी सेडिमेंट्स हैं, जैसे कि मिट्टी है, धूल है, सैंड है, क्ले है, पेबल है, स्टोन है, ये सब क्या होते हैं, पानी के थ्रू, रिवर्स और स्टीम के थ्रू क्या होती हैं, बह जाते हैं। तो इसे ही इरोजन कहा जाता है, ठीक है। और हवा, पानी जिसके थ्रू ये बह के जाते हैं, उसे वेदरिंग एजेंट कहा जाता है, ठीक। तो ये क्या होता है, जब ये अर्थ के सरफेस को इरोड करके जाती हैं, तो वो जो सेडिमेंट्स हैं, वो सेडिमेंट्स क्या होते हैं, जब रिवर और स्ट्रीम के थ्रू वो बहते हैं, तो वो बह के उनके एंड्स पर क्या होते हैं, जाके उसके तल में, ठीक है, एंड मतलब उसके तल में बैठ जाते हैं, ठीक। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे करके वो एक सेडिमेंट्री रॉक का लेयर फॉर्म करने लगते हैं। तो ये सिर्फ मतलब कि यहाँ पे सिर्फ सेडिमेंट ही नहीं, इसके साथ फॉसिल्स, फॉसिल्स मतलब जैसे डेड रिमेनिंग प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, ठीक है, ये सब भी क्या होते हैं, उसके तल में, ठीक है, उसके जो सरफेस है उस पर इकट्ठा होने लगते हैं, उसका लेयर फॉर्म करने लगते हैं, ओके। तो इस तरह से ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो सेडिमेंट से बनते हैं, वेदरिंग के एक्शन के कारण बनते हैं, वेदरिंग एजेंट के थ्रू बनते हैं, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब पानी के थ्रू, हवा के थ्रू जब सेडिमेंट्स बह के जाएंगे, तो वो कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टोन हो गया, पेबल हो गया, ग्रेवल हो गया, ठीक है, सैंड्स हो गए, क्ले हो गया। तो ये सब क्या होगा, जब ये बह के जाएंगे और उसके एंड्स में इकट्ठा होने लगेंगे, तो ये जब अपने साथ बह के जाते हैं, तो जो फॉसिल्स हैं, डेड रिमेन प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, उनको भी अपने साथ ले जाते हैं। तो इस वजह से सेडिमेंट रॉक जो होता है वो फॉसिल्स फ्यूल मतलब कि फॉसिल्स से रीच होता है, ठीक। फॉसिल से रीच होने के कारण यहाँ पे कोल एंड पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है। कोल को एज अ रॉक कंसीडर किया जाता है, एंड पेट्रोलियम में पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हो गया, ठीक है, इन सबको मिनरल फ्यूल में कंसीडर्ड किया जाता है। तो अगर ह्यूमन के लिए देखें हम, तो ह्यूमन के इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए सेडिमेंट्री रॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि और ये सेडिमेंट्री रॉक्स काफ़ी सॉफ्ट भी होते हैं, तो इसे इजली ब्रेक भी कर किया जा सकता है, ठीक है, ये इजली तोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये कई सारे लेयर्स के फॉर्म होते हैं, ठीक। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के जो मतलब कि ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स ह्यूमन के लिए, ह्यूमन पर्पस के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं कोल एंड पेट्रोलियम के लिए। ये पूरे अर्थ का, जो अर्थ का लैंड है ना, जो 30% लैंड होता है अर्थ का पूरा, तो उस मतलब अर्थ पर जितना भी लैंड है उसका 75% ये कवर करता है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक 75% ऑफ टोटल लैंड कवर करता है, ओके। तो ये था सेडिमेंट्री रॉक के बारे में हमने जाना। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ मैंने लिखे हैं, उनको देखते हैं हम, ठीक। रॉक्स रोल डाउन एंड ब्रेक इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स एंड दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट। सेडिमेंट कैसे कहते हैं, जैसे अभी मैंने अर्थ इरोड होता है तो उसी तरह रॉक भी इरोड होता है। तो जब रॉक इरोड होता है, मतलब कि रॉक छोटे फ्रैगमेंट्स में टूटता है, ठीक है, टूटने के बाद इन स्मॉलर पार्टिकल को सेडिमेंट कहते हैं। जब ये सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं और हार्डेंड होते हैं, ठीक है, तो ये लेयर ऑफ रॉक फॉर्म करते हैं। जैसे कि ये जो सेडिमेंट है वो पानी के थ्रू, हवा के थ्रू बह के गए, ठीक है, या रिवर्स स्ट्रीम के थ्रू बह के गए, तो ये सब एक जगह पे क्या होने लगे, इकट्ठा होने लगे, जो कि उसका एंड है, ठीक है, तल है, तो उसमें सब इकट्ठा होने लगे, तो ये कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें वहाँ पे आके जुड़ने लगेंगी। कॉम्पैक्ट होने की वजह से ये हार्ड भी होगा, ठीक, लेकिन अदर रॉक के कंपेयर में ये सॉफ्ट होता है बहुत, ठीक। तो इससे रॉक्स की लेयर फॉर्म्ड होती है। दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। इस तरह के रॉक को सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। एग्जांपल के तौर पे कौन कौन से सेडिमेंट्री रॉक हैं, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, ये सब हमें मिलते हैं, ठीक है, इसे सेडिमेंट्री रॉक में, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट एंड सेल, ये सब सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल हैं, ओके। तो ये था सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। तो आइए जानते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, तो ये इजनियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक से ही बनता है, ठीक है। जब इजनियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो मेटामॉर्फोसिस में जाता है, मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में जाता है, तो उससे जो रिज़ल्ट निकलता है वो मेटामॉर्फिक रॉक का होता है। इट मीन्स जब
इजनियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जो हैं वो फेस करते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सेस हीट हो, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसके बाद वो चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनका टेक्सचर, उनका अपीयरेंस, उनका लुक, उनके क्रिस्टलाइन की साइज़, मतलब क्रिस्टल की साइज़, वो सब जब कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और वो एक न्यू रॉक बन जाता है, तो उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है उसमें मतलब कि जब इजनियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होते हैं, तो उसका कोई भी पार्ट, ठीक है, उसका पहले का कोई भी कैरेक्टर पहले जैसा नहीं रहता, वो सारे न्यू फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, उसका रंग से लेके, उसके साइज से लेके, उसका कलर, उसका मिनरल, ठीक है, उसका हर कैरेक्टरिस्टिक पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ठीक, तो इसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। ठीक, मेटामॉर्फिक रॉक के काफ़ी एग्जांपल्स हैं, तो उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी कि मेटामॉर्फिक रॉक होता क्या है। तो द इजनियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। ठीक है, जब इजनियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो हीट प्रेशर के अंदर जाता है, ठीक है, ग्रेट हीट एंड प्रेशर के अंदर जाता है, तो वो पूरी तरह से चेंज होता है और मेटामॉर्फिक रॉक बन के आता है। ठीक है, तो इसमें इजनियस एंड सेडिमेंट्री रॉक की कोई भी कैरेक्टर नहीं रहता है, जैसे कि कोई भी उसका कलर नहीं रहेगा, कोई भी उसका प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, ना फिज़िकल ना केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी जो क्रिस्टल साइज है वो चेंज हो जाएगी, उसका लुक, अपीयरेंस, ठीक है, सब कुछ चेंज हो जाएगा और वो एक न्यूली रॉक बन के फॉर्म्ड होगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर है मार्बल, स्लेट, ग्नीस एंड क्वार्ट्जाइट आर सम एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, ये सब मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये बने किससे हैं? अब जाहिर सी बात है कि मैंने बोला ये इजनियस एंड सेडिमेंट्री से बने हैं, तो ये इजनियस एंड सेडिमेंट्री रॉक ये हैं। ठीक है, जैसे कि लाइमस्टोन से मार्बल बन गया, सेल से स्लेट बन गया, ठीक है, ग्रेनाइट को जब हमने एक्सेस हीट एंड प्रेशर दिया तो ये ग्नीस बन गया, और फिर सैंडस्टोन को जब हमने एक्सेस हीट प्रेशर के अंडर में रखा तो वो क्वार्ट्जाइट बन गया। ठीक, तो ये सेडिमेंट्री रॉक एंड इजनियस रॉक से क्या बन के आए? आपके मेटामॉर्फिक रॉक बन के आए। ओके, तो ये था मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। तो आइए जानते हैं रॉक साइकिल के बारे में। रॉक साइकिल क्या होता है? ठीक है, तो जब एक तरह का रॉक, मतलब कोई भी हम एक तरह का रॉक ले लें, जितने अभी थ्री टाइप्स ऑफ रॉक में से हम कोई भी एक रॉक ले लें, और वो जब अनदर टाइप्स ऑफ रॉक में चेंज हो जाए कम्प्लीटली, और ये चीज़ें बार बार चेंज होती रहें, तो उस साइकिल को हम क्या कहते हैं? रॉक साइकिल कहते हैं। ठीक है, उस साइकिल को हम क्या कहते हैं? रॉक साइकिल कहते हैं। जब कोई भी रॉक दूसरे तरह के रॉक में चेंज होता है कम्प्लीटली, तो उसके लिए एक हम सर्टेन कंडीशन अप्लाई होता है। ठीक है, उसके लिए क्या होता है? एक सर्टेन कंडीशन में ही वो रॉक जो है दूसरे रॉक में चेंज होता है, और ये जब बार बार रिपीटेड मैनर में हो तो इसी को हम रॉक साइकिल कहते हैं। ठीक है, मैंने पॉइंट्स लिखा है, देखते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर अंडर सर्टेन कंडीशन एंड इन अ रिपीटेड मैनर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। ओके, ठीक, एक तरह का रॉक दूसरे तरह के रॉक में कम्प्लीटली चेंज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, और ये बार बार रिपीटेड मैनर हो, मतलब सेकेंड में फिर से सेकेंड वाला फर्स्ट में चेंज हो जाए, और फर्स्ट वाला सेकेंड में, फर्स्ट वाला सेकेंड एंड थर्ड में, तो इसी तरह के साइकिल को हम रॉक साइकिल कहते हैं। अब इस रॉक साइकिल के टॉपिक को हम एक डायग्राम के मदद से समझेंगे, जो कि हमें इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने एक डायग्राम बनाया है, लुक हियर। अगर मान लीजिए, सॉरी मैंने इसका एक नाम नहीं लिखा, मैं अभी, अब अगर मान लीजिए कि मैंने इजनियस रॉक लिया। ठीक, अब ये मान लीजिए कि इजनियस रॉक है। इजनियस रॉक कैसे फॉर्म्ड होता है? जब ये मगमा, ठीक है, ये दिया ना, एक एरो बनाया कि जब जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर में जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो हीट एंड प्रेशर दोनों बढ़ता है। ठीक है, तो मगमा इसके सेंटर में होता है, तो ये जो मगमा है ये अगर अर्थ के अंदर ठंडा होने लगे, ठीक है,
और अगर अर्थ के सरफेस पर ठंडा हो और हार्ड हो जाए तो उसे इजनियस रॉक कहते हैं। ठीक, तो अगर मैंने सपोज किया कि ये मगमा है, तो मगमा से ठीक है ये ठंडा हुआ तो क्या बनेगा, इजनियस रॉक बनेगा। ये रॉक बनेगा तो ये अपलिफ्ट टू सरफेस, मतलब पहाड़ रॉक है, चट्टान है, तो सरफेस से ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, तो ये एरो आपको अपलिफ्ट टू सरफेस दिखा रहा है। ठीक, अब ये अगर हम इसको हीट एंड प्रेशर अप्लाई करें, ठीक है, ये इजनियस रॉक मान लीजिए अब धीरे धीरे जो इसी के अंदर रह गया, ठीक है, जो वॉल्केनिक या जो एक्सट्रूसिव इजनियस रॉक होता है, अब ये जो इसके अंदर रह गया तो इसे हीट एंड प्रेशर अगर अप्लाई करें हम, ठीक है, इसे नीचे से हीट एंड प्रेशर अगर मिल गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये आया, पहले ये इजनियस रॉक था लेकिन जब हमने इसे हीट एंड प्रेशर दिया तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हुआ। ओके, जब ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हुआ, इसी तरह यहाँ सेडिमेंट्री रॉक था, अब ये सेडिमेंट्री रॉक को भी हीट एंड प्रेशर देंगे तो ये भी मेटामॉर्फिक रॉक में आ जाएगा। ठीक, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि इजनियस टू मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री टू मेटामॉर्फिक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इजनियस टू सेडिमेंट्री कैसे आएगा। तो अगर मान लीजिए ये एक्सट्रूसिव हो जाए, ठीक है, ये कौन सा रॉक हो जाए, इजनियस रॉक जो है वो एक्सट्रूसिव हो जाए, मतलब सरफेस के ऊपर जाके, ठीक है, कूल हो इसका मगमा, तो ये क्या करेगा, ये एक रॉक बनाएगा। ठीक, रॉक बनाएगा तो यहाँ वेदरिंग का एक्शन होगा, वेदरिंग का प्रोसेस होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वही है, इरोजन प्रोसेस होगा, वेदरिंग इरोजन होगा, तो यहाँ का जो इसके सेडिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इरोड होंगे, इरोड होके हवा पानी के थ्रू इरोड होंगे और फिर रिवर एंड स्ट्रीम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे तो ये आ जाएंगे, ये रिवर है। ठीक है, ये क्या है, रिवर है जिसके अंदर ये सारे सेडिमेंट्स आके इसके एंड्स में क्या हो रहे हैं, बैठ रहे हैं। ठीक है, इसके एंड्स पे आके इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये ब्यूरियल सेडिमेंटेशन यहाँ आ गया, क्योंकि ये जितने भी यहाँ से इरोड हो रहे हैं, जो फॉसिल्स भी अपने साथ ला रहे हैं, डेड रिमेनिंग प्लांट्स एंड एनिमल, ये सब आके इसके एंड्स में यहाँ बैठ हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक, तो धीरे धीरे ये क्या बनाएगा, लेयर बनाता जाएगा और इससे रॉक्स फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या फॉर्म्ड हो जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड हो जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक को भी अगर हम एक्सटेंट हीट एंड प्रेशर दें तो ये क्या हो जाएगा, फिर से मगमा में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जब सेडिमेंट्री रॉक को भी बहुत ज़्यादा अगर हम हीट एंड प्रेशर देंगे तो पहले तो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और मेटामॉर्फिक से भी अगर हमने और उसे एक्सेस हीट एंड प्रेशर दिया तो वो मगमा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तीनों जो है रॉक्स आपस में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, एक से दूसरे में चेंज हो रहा है, दूसरे में, तीसरे में, और लास्ट में आके सब मगमा बन जा रहे हैं। लास्ट में आके सब क्या हो रहे हैं, हीट एंड प्रेशर की वजह से मगमा में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो इसी को रॉक साइकिल कहते हैं। ओके,